IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी T20 लीग IPL की शुरुआत साल 2008 में हुई थी और अब तक करीब करीब 16 साल बीत चुके हैं। इन 16 सालों में कई रिकॉर्ड्स बने भी हैं और टूटे भी हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं IPL के ऐसे 15 रिकॉर्ड्स के बारे में जिन्हें तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन कुछ ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी कर दिखाया है। वैसे तो IPL में ज्यादातर रिकॉर्ड्स क्रिस गेल के नाम ही बने हैं, तो चलिए उन्हीं के रिकॉर्ड से ही शुरू करते हैं। रिकॉर्ड नंबर 15 जो कि है मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स इन अ सिंगल इनिंग्स की। साल 2013 में क्रिस गेल RCB की तरफ से खेलते हुए पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ 175 रन बनाए थे, वो भी सिर्फ 66 गेंद में। इस मिसमराइजिंग रिकॉर्ड को बनाना मुश्किल तो था ही, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो दोस्तों क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो इस मैसिव रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रिकॉर्ड नंबर 14 जो कि है द हाईएस्ट टीम टोटल की। अब तक 263 रन के साथ RCB इस लिस्ट में टॉप पर थी, जहां कुछ फैंस को ये लगता था कि इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं कि IPL 2024 के चलते इस करंट सीजन में 277 रन के साथ सनराइजर्स हैदराबाद RCB को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है। अब तो खैर ये आगे चल के पता चलेगा कि कौन इस मैसिव रिकॉर्ड को तोड़ पाता है। चलिए बढ़ते हैं रिकॉर्ड नंबर 13 की तरफ जो कि है द लोएस्ट टीम टोटल। शायद ही कोई टीम इसे तोड़ना चाहेगा। दोस्तों ये रिकॉर्ड भी RCB के नाम ही है। साल 2017 में KKR के खिलाफ सिर्फ 49 रन पर ही RCB ऑल आउट हो गई थी। रिकॉर्ड नंबर 12 कंसेक्यूटिव मैच विन्स यानी कि लगातार जीत। ये रिकॉर्ड कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR के नाम पर है। इस टीम ने लगातार 10 मैचेस जीतकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स रिकॉर्ड नंबर 11 जो कि है द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस इन वन इनिंग्स की। नाबाद 175 रन की पारी में यूनिवर्स बॉस ने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इसी पारी में क्रिस गेल ने 17 छक्के जड़कर एक और शानदार रिकॉर्ड बना दिया था, जिसे तोड़ना आज भी इम्पॉसिबल लगता है। बढ़ते हैं रिकॉर्ड नंबर 10 की तरफ जो कि है फास्टेस्ट सेंचुरी का। IPL के इतिहास में कई रिकॉर्ड्स बनाने और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले यूनिवर्स बॉस ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। 66 गेंद पर 175 रन की नाबाद पारी खेलते हुए क्रिस गेल ने सिर्फ 30 गेंदों में ही शतक पार कर ली थी। गेल का ये रिकॉर्ड तोड़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। नाउ रिकॉर्ड नंबर 9 जो कि है फास्टेस्ट 50 का। राजस्थान के ओपनर एंड द एक्सटोल्ड फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट यशस्वी जायसवाल इस रिकॉर्ड को होल्ड करते आ रहे हैं। 11 मई 2023 को KKR के खिलाफ खेलते हुए सिर्फ 13 गेंदों में ही हाफ सेंचुरी बना दिए थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंजाब के फॉर्मर कैप्टन KL राहुल के पास था, जिन्होंने 14 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा था। बढ़ते हैं रिकॉर्ड नंबर 8 की तरफ जो कि है मैक्सिमम नंबर ऑफ रन इन वन ओवर की। वैसे ये रिकॉर्ड दो लोगों के पास है। पहले है सर रविंद्र जडेजा जो कि RCB के खिलाफ बैटिंग करते हुए हर्षल पटेल के आखिरी ओवर में 36 रन बनाए थे, और दूसरे है द यूनिवर्स बॉस यानी कि क्रिस गेल जो कि साल 2011 में RCB की तरफ से खेलते हुए कोची टस्कर्स के खिलाफ एक ही ओवर में 3 चौके और 4 छक्के जड़कर 36 रन बना दिए। आपको बता दें कि गेंदबाज ने एक नो बॉल भी फेंका था जिस पर क्रिस गेल ने शानदार छक्का जड़ा था। दोस्तों चलिए बात करते हैं रिकॉर्ड नंबर 7 की जो कि है द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैट्रिक्स की। हैट्रिक्स लेना एक गेंदबाज के लिए बेहद ही खास होता है। IPL के इतिहास में युवराज सिंह ने 2 बार हैट्रिक्स लिए हैं, लेकिन एक गेंदबाज ऐसे भी है जिन्होंने हैट्रिक्स पे हैट्रिक लिए हुए हैं। जी हाँ, रिनाउंड बॉलर अमित मिश्रा। इन्होंने IPL के पहले ही सीजन में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ हैट्रिक ली थी। साल 2011 में किंग्स पंजाब और 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ भी हैट्रिक लिए थे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं रिकॉर्ड नंबर 6 की तरफ जो कि है द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स इन वन सीजन की। ये रिकॉर्ड बेहद ही खास खिलाड़ी के नाम है। जी हाँ, RCB के फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली, जिन्होंने साल 2016 में कुल 973 रन बनाकर द मैक्सिमम रन स्कोरर का टाइटल अपने नाम कर लिया था। आपको बता दें कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर की बात है, अभी तक कोई भी खिलाड़ी इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। मेरे हिसाब से ये रिकॉर्ड शायद ही कभी टूटे। आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं रिकॉर्ड नंबर 5 की तरफ जो कि है द मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन वन सीजन की।
ये रिकॉर्ड भी द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर विराट कोहली के पास है। साल 2016 में कुल 4 शतक बनाकर इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। पहला शतक गुजरात लायंस के खिलाफ 63 गेंद में नाबाद 100 रन बनाने का था। वही दूसरा शतक पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ 58 गेंद में ही 108 रन बनाने का था। तीसरे शतक की बात करें तो अगेन गुजरात लायंस के खिलाफ 55 गेंदों में ही 109 रन का था। और चौथा किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ, जिसमें इन्होंने सिर्फ 50 गेंदों में ही 113 रन बना दिए थे। जहां बाकी प्लेयर्स के लिए एक सीजन में 2 सेंचुरी बना पाना भी मुश्किल हो जाता है, वहीं विराट कोहली का ये रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाए। तो चलिए बढ़ते हैं रिकॉर्ड नंबर 4 की तरफ, जो कि है हाईएस्ट पार्टनर स्कोर की। आईपीएल की जान और आरसीबी के स्थान मिस्टर 360 एंड विराट कोहली ने साल 2016 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए 229 रन का एक मैसिव स्कोर बनाया था। टी20 में देखा जाए तो कई टीम्स का टोटल स्कोर भी इतना नहीं बन पाता, तो ऐसे में विराट कोहली एंड एवी डिविलियर्स का ये रिकॉर्ड तोड़ पाना बेहद ही मुश्किल होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स रिकॉर्ड नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईपीएल के इतिहास में द मोस्ट विनिंग टीम कौन सी है? जी हाँ, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। द मोस्ट विनिंग टीम की इस रेस में इन दोनों ने ही इक्वल आईपीएल ट्रॉफी के साथ पहला पोजीशन होल्ड कर रखी है। मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो इन्होंने कुल 5 बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम किया है, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। वहीं सीएसके की बात करें तो माही भाई की ये टीम भी अपने इम्पैक्टफुल इनिंग्स के चलते 5 बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो चलिए बढ़ते हैं रिकॉर्ड नंबर 2 की तरफ, जो कि है मोस्ट नंबर ऑफ विन्स की। आईपीएल के इतिहास में द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैच विनिंग परफॉर्मेंस का ये टाइटल मुंबई इंडियंस के नाम है। हालांकि सबसे ज्यादा मैचेस भी इसी टीम ने ही खेला है। ये टीम 231 मैच खेलकर कुल 129 बार जीते है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। सो दोस्तों, बात करें रिकॉर्ड नंबर 1 के बारे में, जो कि है मोस्ट विन्स एज अ कैप्टन की। आईपीएल के इतिहास में एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाले प्लेयर है द लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि हमारे माही भाई। इन्होंने कुल 210 मैचेस में कैप्टेंसी करते हुए 123 मैचेस जीते हैं, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। तो दोस्तों, क्रिकेट फैंस का फेस्टिवल यानी कि आईपीएल 2024 की शुरुआत तो हो चुकी है, तो देखते हैं आईपीएल के इस करंट सीजन में और कितने रिकॉर्ड्स बनते हैं। आईपीएल के हर छोटी बड़ी अपडेट्स जानने के लिए आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहे और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।